गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल एंड टिश्यू चेंजेस इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक एपोप्टोसिस। देखिए एपोप्टोसिस क्या है, जो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मैंने आपको पहले भी ये डेफिनेशन बताई थी, एक नेचुरल सेल डेथ है जिसमें सेल खुद डिसाइड करती है कि उसको मरना है, उसका काम हो गया, उसने अपना फंक्शन कर दिया, वो मरना चाह रही है और मरना चाह रही है तो उसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट चलता है उसके इस मरने के प्रोग्राम में, मतलब पूरा एक प्रोग्राम बनाती है अच्छा खासा, इसलिए इस सेल डेथ को हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, मतलब पूरा रेगुलेशन चल रहा है, इसको बॉडी रेगुलेट करती है, जिसमें सेल्फ खुद सेल जो होती है सेल्फ डिग्रेड हो जाती है इन ऑर्डर फॉर द बॉडी टू एलिमिनेट। डिग्रेड हो रही ताकि बॉडी से निकल जाए, क्यों निकल जाए, क्योंकि अब वो अनवांटेड है या डिसफंक्शनल हो चुकी है, अब उसका कोई काम नहीं रह गया, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। एपोप्टोसिस के दौरान सेल जो है वो अपने जीनोम को तोड़ देती है, सेल श्रिंक हो जाती है और सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है छोटे एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर। इस तरह के इवेंट चलते हैं, पहले तो उसका जीनोम टूट जाएगा, फिर उसकी सेल श्रिंक हो जाएगी वो सेल, फिर सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर। 50 से 70 बिलियन सेल्स जो होती है हर रोज़ मरती है एपोप्टोसिस की वजह से एवरेज ह्यूमन एडल्ट के अंदर। चाइल्ड के अंदर 8 से 14 के उम्र के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन से 30 बिलियन सेल्स जो होते हैं वो डेली मरती हैं। एपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ही फॉलिंग ऑफ होता है। फॉलिंग ऑफ जैसे पत्ती जब पीली हो जाती है झड़कर के अपने आप गिर जाती है, वैसे ही सेल जो है अपना फंक्शन करने के बाद खुद मर जाती है, उसको अपन एपोप्टोसिस कहते हैं। ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है जो आपको एग्जाम में ऑब्वियस से बनाना है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का, कि नॉर्मल सेल दिखाई गई है जब ये अपना फंक्शन कर चुकी होती है उसमें श्रिंकेज होएगा और इसका क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है, फिर इसके मेम्ब्रेन के ऐसे ब्लैब्स बन जाएंगे, देखो टेढ़े मेढ़े सी स्ट्रक्चर इसके निकलने स्टार्ट हो गई, इसको ब्लैबिंग कहते हैं, मेम्ब्रेन ब्लैब्ड हो गई। फिर इसका जो न्यूक्लियस है अब वो कंडेंस्ड हो जाएगा, पहले सेल श्रिंकेज सेल श्रिंक्ड हुई थी, अब उसका न्यूक्लियर कोलैप्स हो गया और ब्लैबिंग इसके अंदर अभी भी कंटिन्यू चल रही है, फिर धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े से दिखाई देने लगे, इसको अपन एपोप्टोटिक बॉडी कहते हैं, जो एपोप्टोटिक बॉडी बन गई और फाइनली ये एपोप्टोटिक बॉडी अब टूट जाएगी, लाइसिस हो जाएगा, तो ये पूरा इवेंट एपोप्टोसिस कहलाता है। बहुत अच्छा दिया हुआ है भाई बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत बढ़िया डायग्राम के साथ ये बताया गया प्रोसेस है, आप इतना भी लिखते हैं तो सफिशिएंट है आपके लिए, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं डायग्रामेटिकली आप एक्सप्लेन करोगे तो। अब सेल डेथ हमने पहले भी मैंने आपको बताया भाई, सेल जो है दो मैकेनिज्म से मरती है, या तो नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस है। नेक्रोसिस जब इंजरी से सेल की डेथ होती है तो नेक्रोसिस, और जब सेल खुद सुसाइड कर रही है कि मुझे मरना है तो वो एपोप्टोसिस कहलाता है। इन दोनों ही प्रोसेस के करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। अब क्या अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, देखिए नॉर्मल सेल दोनों प्रोसेस दिखाए गए हैं। एपोप्टोसिस के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड मेम्ब्रेन और सेल की स्वेलिंग हो जाती है, ये डिफरेंस भी है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच में, ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है ये डिफरेंशिएट बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, तो देखो बहुत अच्छा बताया गया है कि नेक्रोसिस में सेलुलर स्वेलिंग हो रही है जबकि एपोप्टोसिस में सेल का श्रिंकेज हो रहा है, सिकुड़ रही है, नेक्रोसिस में फूल गई एपोप्टोसिस में सिकुड़ गई, सेल श्रिंकेज, सेल श्रिंक्ड हो रही है तो उसका क्रोमेटिन मटेरियल भी कंडेंस्ड हो जाता है और सेल की ब्लैबिंग हो रही है, जबकि नेक्रोसिस में वो फूल गई थी इसलिए वो लाइज्ड हो जाती है और उसका इंट्रासेल्यूलर कंपाउंड जो है वो रिलीज हो जाते हैं। कैसे, कब, कहाँ, किस में देखने को मिलता है, तो फिजिकल ट्रॉमा में या कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस के अंदर या लाइटिक वायरल इन्फेक्शन, ये तीन इसके एग्जाम्पल है। नेक्रोसिस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, या फिजिकल ट्रॉमा से सेल मर रही है, या कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस हो रहा है जो इम्यून सिस्टम में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, या फिर लाइटिक वायरल इन्फेक्शन के द्वारा सेल जो है वो मरती है। जबकि एपोप्टोसिस में हमने कहा सेल का श्रिंकेज हो रहा है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो रहा है, सेल की ब्लैबिंग हो रही है और फाइनली वहाँ पे मैक्रोफाज पहुँच करके फैगोसाइटिक प्रोसेस कर रही होती है। फैगोसाइटिक प्रोसेस के द्वारा जो मैक्रोफाज होती है वो सेल को खा जाती है, एंगल्फ कर लेती है, तो इसके अंदर डेवलपमेंट होता है, टिश्यू होमियोस्टासिस होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से भी ये हो सकता है, या हार्मोन मीडिएटेड एट्रॉफी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा होता है एपोप्टोसिस का प्रोसेस। तो डायग्रामेटिकली दोनों नेक्रोसिस एपोप्टोसिस में डिफरेंस बताया हुआ है, हालांकि आपको
पॉइंट्स में भी लिखना है पर डायग्राम भी आप बनाएंगे अगर आपके एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर पूछा जाता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं इन दोनों में डिफरेंस वाले पॉइंट्स। सबसे पहले तो एपोप्टोसिस एक फिजियोलॉजिकल सेल डेथ है, जो ऊपर लिखा हुआ है देखिए, फिजियोलॉजिकल सेल डेथ, जबकि नेक्रोसिस एक पैथोलॉजिकल सेल डेथ है। भाई ये अननेचुरल है नेक्रोसिस, जबकि एपोप्टोसिस तो नेचुरल है, इसलिए उसको फिजियोलॉजिकल सेल डेथ कहते हैं अपन। तो एपोप्टोसिस क्या है? सेल डेथ की एक फंक्शनल फॉर्म है, जबकि नेक्रोसिस एक्सीडेंटल फॉर्म है। एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें ये इवेंट चलता है, नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल कंडीशन में चलता है। एपोप्टोसिस एनर्जी डिपेंडेंट होता है, इसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, नेक्रोसिस में किसी एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इतनी मेहनत कर ही नहीं, सेल सीधी मर रही है उसके अंदर। एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक्ड होती है और नेबर सेल से दूर हो जाती है, अपने अड़ोसी पड़ोसी दूर हो जाती है, जबकि नेक्रोसिस में सेल फूल रही है तो ऑब्वियस पास आएगी दूसरी चीज़ों के, ज़्यादा करीब हो जाती है, दूर तो होने का सवाल ही नहीं उठता। एपोप्टोसिस में न्यूक्लियस रप्चर हो जाता है, जबकि नेक्रोसिस में पूरी सेल का बलून बन रहा है और फिर बाद में वो रप्चर होएगा, पूरी सेल ही बलून फॉर्म में बन करके रप्चर हो जाएगी, फूल करके रप्चर हो जाती है। देखो न्यूक्लियस का इवेंट, अभी इस स्लाइड के अंदर भी अपने ने न्यूक्लियस का इवेंट देखा है, इसे पहले वाली स्लाइड के अंदर भी न्यूक्लियस का इवेंट या न्यूक्लियर कोलैप्स दिखाया गया ना, न्यूक्लियस का इवेंट आया। न्यूक्लियस इवेंट के लिए तीन टर्म्स सुनिए, कैरियो पिकनोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोरैक्सिस, तीन टर्म्स याद कर लीजिए। न्यूक्लियस में क्या चेंज आते हैं? पिकनोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोरैक्सिस। पिकनोसिस का मतलब कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल या कंडेंस्ड न्यूक्लियर मटेरियल, कैरियोलाइसिस में न्यूक्लियस टूट जाता है, पिकनोसिस में कंडेंस्ड हो जाता है, कैरियोलाइसिस में टूट जाता है, और कैरियोरैक्सिस में ये दोनों इवेंट हो जाते हैं, यानी पिकनोटिक कैरियोलाइसिस होता है कैरियोरैक्सिस के अंदर। तो ये तीन टर्म्स ध्यान से सुन लीजिए। इसके अलावा एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल स्टिम्युलाई की वजह से इंड्यूस होता है, जैसे ग्रोथ फैक्टर की कमी आ जाए या हार्मोनल एनवायरमेंट में कोई चेंज आ जाए बॉडी के, तो एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। जबकि नेक्रोसिस नॉन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे कोई लाइटिक वायरस की वजह से हाइपोथर्मिया बॉडी में हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कम हो जाए, इश्चिमिया हो जाए, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या मेटाबॉलिक पॉइजन की वजह से भी नेक्रोसिस हो सकता है। एपोप्टोसिस में कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलता होता एपोप्टोसिस के बाद, जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन के बाद नेक्रोसिस का इवेंट चलेगा। अब एपोप्टोसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए, सेल को डिस्ट्रॉय होना, सेल को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। अब प्रॉपर डेवलपमेंट मतलब जैसे टेडपोल टेल जो होती है वो रिजॉल्व हो जाती है, ये अपने को वैसे अपने टेडपोल का एग्जांपल अपने लिए ज़रूरी नहीं है, या फीटस के अंदर जो फिंगर और टो का फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर डेवलपमेंट से हो रहा है, या प्रॉपर कनेक्शन चाहिए होता है ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में। एपोप्टोसिस में सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसमें वायरस द्वारा इन्फेक्ट होकर के, या डीएनए डैमेज की वजह से, या कैंसर सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो देखिए इनकम्प्लीट डिफ्रेंसिएशन दिखाया है, अगर एपोप्टोसिस सही नहीं चलेगा तो देखो, क्योंकि मैंने कहा कि अंगुलियां जब बनती है वहाँ एपोप्टोसिस चाहिए, यहाँ ये जो पॉइंट बोला गया है ना, द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज ऑफ द फीटस नीड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, नीड एपोप्टोसिस फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, फिंगर और टो के बनने के लिए वहाँ पर एपोप्टोसिस का होना जरूरी है ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अगर एपोप्टोसिस नहीं हुआ तो ऐसे अंगुलियाँ जुड़ी हुई, इंसान ऐसा जुड़ी हुई अंगुलियों के साथ पैदा होगा, तो यहाँ पर एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये एसेंशियल प्रोसेस है आपकी बॉडी का एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस के रीजंस क्यों क्यों होता है भाई एपोप्टोसिस? तो पॉजिटिव सिग्नल यहाँ वहाँ पर ख़त्म हो जाए या नेगेटिव सिग्नल मिलने लग जाए। पॉजिटिव सिग्नल ख़त्म होने का मतलब है ग्रोथ फैक्टर न्यूरॉन के लिए ख़त्म हो जाए, इंटरल्यूकिन 2, IL-2 वगैरह वहाँ से हट जाए, तो एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। नेगेटिव सिग्नल्स के अंदर ऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ता है सेल में, जिससे कि ऑक्सीडेंट के द्वारा डीएनए डैमेज हो जाएगा, डेथ एक्टिवेटर्स वहाँ पे आ जाता है, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, लिम्फोटॉक्सिन TNF बीटा, एफ एज लाइगेंड वहाँ पर आ जाते हैं। अब एपोप्टोसिस कौन कौन इंड्यूस करवाते हैं? तो हमने पढ़ा भाई ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की फैमिली, ग्रोथ फैक्टर का वहाँ से हट जाना, कैल्शियम, ऑन्कोजीन कैंसर को कॉज करवाने वाले जीन्स, न्यूट्रिएंट कम हो जाना भी एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉक्सिन्स, यूवी रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, ये सब एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवाते हैं। अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एपोप्टोसिस दिखाया गया है भाई,
ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 1 लाख सेल्स जो होती है हर सेकंड माइटोसिस द्वारा प्रोड्यूस होती है, पर इतनी सेल मरती नहीं है एपोप्टोसिस के द्वारा। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये जरूरी है, एपोप्टोसिस क्यों जरूरी है भाई, डेवलपमेंट के लिए। एडल्ट वगैरह में ऐसा देखने मिलता है कि डेवलपमेंट लाइक इम्यून सिस्टम जब मैच्योर होता है या मॉर्फोजेनेसिस जब चलते हैं या न्यूरल डेवलपमेंट चलता है तो एपोप्टोसिस जरूरी है। एडल्ट में प्रिविलेज इम्यून प्रिविलेज के लिए जरूरी है, डीएनए डैमेज और वुंड रिपेयर के लिए जरूरी है। अगर एपोप्टोसिस एक्सेस हो जाए तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो जाती है पर्सन के अंदर, और अगर एपोप्टोसिस कम हो जाए तो कैंसर और ऑटो इम्यूनिटी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो एपोप्टोसिस ज़्यादा होना या कम होना दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती हैं, क्योंकि एपोप्टोसिस नॉर्मल चलना चाहिए किस लिए, डेवलपमेंट के लिए और एडल्ट में कुछ चेंजेस के लिए। अभी जो सेल्स होती हैं वो लाइफ और डेथ के बीच में बैलेंस्ड रहती है इसी एपोप्टोसिस के द्वारा। जैसे डैमेज हुआ या फिजियोलॉजिकल डेथ सिग्नल्स मिले तो डेथ सिग्नल से देखो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स कह लो या इनको फैक्टर कह लो कि एक्चुअली हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल में दो फैक्टर्स पाए जाते हैं, प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक ऑब्वियसली जो एपोप्टोसिस करवाएंगे और एंटी जो उसको रोकेंगे, तो इनमें हमेशा बैलेंस पाया जाता है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर ज़्यादा हो गए प्रो एपोप्टोटिक कम हो गए, तो उस समय एपोप्टोसिस का प्रोसेस चलेगा। तो ये देखिए प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर बैड बेड बाक दिखाए गए हैं, एंटी एपोप्टोटिक में BCL2 BCL-XL फैक्टर्स दिखाए गए हैं। सेल के ऊपर एक्ट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पर एक्ट करते हैं साइटोक्रोम सी जिसकी वजह से रिलीज होएगा, और एपोप्टोसोम निकलेंगे जिसमें प्रोकैस्पेज साइटोक्रोम जैसे एंजाइम्स निकलेंगे और फाइनली एपोप्टोसिस सेल का हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है। अब एपोप्टोसिस जहाँ पर नहीं होता उसके डिसऑर्डर्स देखिए, जहाँ नहीं होता या कम होता है, या सेल सर्वाइवल जहाँ बड़ा हो जाता है, मतलब सेल लंबे समय तक अगर जिंदा रहती है, तो ऑब्वियस मैंने कहा कैंसर और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। कैंसर जैसे कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर, ग्लायोमा, लिवर के अंदर, लिम्फॉइड मैलिग्नेंसी में, ये सब कैंसर के नाम है भाई, न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर, और फॉलिकुलर लिम्फोमा किसी को हो जाए, P53 म्यूटेशन की वजह से कैंसर किसी को हो जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस या SLE सिस्टमिक ल्यूपस एराइथोमैटस, ये सब एपोप्टोसिस कम हो जाने की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। इन्फ्लामेटरी डिजीज जैसे ब्रोंकियल एस्थमा में, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज में, या पल्मोनरी इन्फ्लामेशन भी एपोप्टोसिस कम होने की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पेस वायरस, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस, बैक्यूलो वायरस और काउपॉक्स वायरस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो डिसऑर्डर जो एपोप्टोसिस ज़्यादा होने की वजह से या सेल डेथ ज़्यादा होने की वजह से हो जाते हैं, यानी हाइपर एक्टिव एपोप्टोसिस, तो एड्स जिसमें CD4 सेल्स बढ़ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बढ़ जाती है अगर एपोप्टोसिस ज़्यादा होएगा तो, या न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर किसी को हो जाए जैसे अल्जाइमर डिजीज, बुढ़ापे में देखने को मिलती यादाश्त कमजोर होने वाली बीमारी, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते ना, पार्किंसंस डिजीज दिमागी बुखार है, दिमागी बीमारी है पार्किंसंस डिजीज, अमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, सेरेब्रलर डिजेनरेशन। अब एपोप्टोसिस का कैंसर में बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल होता है भाई, एपोप्टोसिस जो है वो डैमेज्ड सेल को हटाने का काम करती है। अगर डैमेज बढ़ जाए, म्यूटेशन बढ़ जाए, तो कैंसर बढ़ जाएगा भाई। कैंसर में डैमेज एक्चुअली होता ही नहीं है कैंसर में, तो म्यूटेशन इतना ज़्यादा होता है डैमेज होता नहीं है, डैमेज होता है कैंसर कम हो जाएगा पर डैमेज होता नहीं है। ट्यूमर सप्रेसर P53 जो है वो बुढ़ापे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एपोप्टोसिस के रिस्पांस देते हैं डैमेज के लिए। अधिकतर कैंसर सेल्स के अंदर ये एपोप्टोटिक रिस्पांस जो होता है वो पाया ही नहीं जाता, डिफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि म्यूटेंट सेल सर्वाइव करती रहती है और डैमेज नहीं होती है। इसमें क्यों ऐसा होता है कि या तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है या प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो कम हो जाते हैं, जिससे फाइनली क्या होगा, कैंसर कॉज हो जाएगा। बस इसके साथ में ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस आपका यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी लंबा बड़ा सारा प्रोसेस हमने पढ़ लिया है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो इजी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं आपको बता दूं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो
मैं आपको ये बता दूं कि हम अभी इस समय जनरल पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, और जनरल पैथोलॉजी जो है उसका हर पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके हर पॉइंट पर क्वेश्चन आता है, हर पॉइंट पर। तो आपको जनरल पैथोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 50% तक आपकी पैथोलॉजी का पोर्शन कवर करेगा। तो अगर आप मार्क्स अच्छे स्कोर करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो जनरल पैथोलॉजी ध्यान से पढ़िए, बुक से पढ़िए, खाली आप ये ऑनलाइन क्लासेस ही मत पढ़िए, बुक से पढ़िए, और जो भी डाउट हो रहा है मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट हो, उससे पहले आप अपने जितने पिछले डाउट्स हैं वो ले आए मेरे पास, ताकि मैं उनके लिए भी अलग से क्लासेस आपके लगा दूँ, अगर कोई डाउट आपको है तो।